Let's read the question. Average power dissipated in a pure capacitance in an AC circuit is. तो बच्चों हमें एक ऐसा अल्टरनेट सर्किट यूज करना है जिसमें प्योर कैपेसिटेंस यूज किया गया है और इसको कनेक्ट किया गया है एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF E से. अब बच्चों यहाँ बताना है हमें व्हाट विल बी एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर. तो एवरेज पावर को हम लिखते हैं RMS वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइड बाय द RMS वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर दैट इज cos phi. अब बच्चों cos phi की वैल्यू यहाँ पर कैपेसिटर के केस में 0. इसका रीजन है कि अगर हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चेक करते हैं तो वो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर यहाँ पर अगर हम देख सकते तो इस तरह से क्लॉकवाइज एंगल आ जाएगा. इट मींस यहाँ पर जो करंट है वो लीड करती है लैग करता है. तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री. सो कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस 90 डिग्री इज इक्वल. तो यहाँ से हम एवरेज पावर डिसिपेटेड का तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया. थैंक यू.